पुणी थरे जोगी सरकार आम सहित केंद्र मंत्री कौशल किशोर अच्छा पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ और ये जो सफलता आपको दूसरी बार लगातार मिली ये श्रेय आपको आप किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, लोगों पर विश्वास, जनता ने विश्वास किया बीजेपी पे, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई सरकार ने, बिजली के कनेक्शन मुफ्त में, 18 घंटे बिजली गांव में, शहर में 24 घंटे बिजली, लोगों को आवास, शौचालय, राशन, दवा, हर चीज़ उपलब्ध कराया, किसानों को किसान सम्मान निधि, और इसीलिए जनता ने भरोसा किया और फिर से बीजेपी को वोट देने का काम किया। सपा के साथ आपका बहुत कड़ा टक्कर था, तो क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने पार किया? देखिए, सपा दरअसल में वो अपनी दबंगई दिखा रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लड़ते नहीं, गरियाते ज़्यादा है, ताल ठोकते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं घर के बाहर, और वो आदमी निकल मालूम हुआ सुनता कि छोड़ो, जाने दो, वैसे ये इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इनके लोग कार्यकर्ता आम जनता को या भाजपा के लोगों को, गरीबों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, वो लग रहा था कि कड़ी टक्कर है। टक्कर नहीं थी, और टक्कर होती तो दिखाई देती। रिजल्ट साफ जनता के बीच में आया, पानी पैसा, पैसे को पानी की तरीके से बहाया, शराब बाटी, हर संभव प्रयास, हर हथखंडे अपनाने का काम सपा के लोगों ने किया, लेकिन जनता ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर देने का काम किया। अभी भी बीजेपी का वही आरोप है कि आप लोगों ने धांधली करके विजय हासिल किया है। अब बीजेपी पर अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? जहां वो जीत जाए वहां धांधली नहीं हुई, जहां हम जीत जाए वहां धांधली हुई। जनता ने इसी बात, ऐसी ऐसी बातें ये बोलते हैं जिससे जनता इन पर विश्वास नहीं करती। ये जान जाते हैं कि ये मुर्दा लोगों के लिए काम करते हैं, जिंदा लोगों के लिए काम नहीं करते। अपने इलेक्शन जीतने के लिए मेहनत किया, अभी लोगों के लिए भी मेहनत करेंगे? यहाँ पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रभारी थे, आपने भी यहाँ पे बहुत मेहनत किया, नेताओं ने मेहनत किया, आगे मेहनत कैसा हो? पूरी मेहनत करेंगे, जनता को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने देंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी, जनता के लिए, जनता के हित के लिए सरकार है। हम पूरे प्रदेश को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हमारा देश भारत राष्ट्र मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आलोचना करते केंद्र मंत्री कौशल किशोर आम सहित थे, से जहाँ कहले जे समाजवादी पार्टी जहाँ भी अभियोग आणु बा जिते आरोप आणु से सबको से पार करी पुणी थे एटी सरकार गठन करने जाऊँगी, और पूर्व 2017-2022 पर्यंत जो सरकार बीजेपी एटी गठन कला और विकास एटी विकास रे किसी परिवर्तन आसला, विकास हेला, ताहा आगो को मध्य आहुरी जोरसोर जारी रहिबो, एवं जो इलेक्शन जितिबा से जी परिश्रम करते वर्तमान जनसेवे जनता सेवे से आहुरी अधिक परिश्रम करिवे बोली से आशा रखिछन्ते। लखनऊ कैमरा पर्सन हेमंत सेठी प्रद्युत महापात्र।